जाने कितने रंग भरे हैं इस दिल में, अपनी लय और गति से धड़कता ये इंसानी दिल, इसकी धड़कन से बंधी है जीवन की डोर। जीवन के बहुत से राज छिपे हैं इसके भीतर। छाती के बाईं ओर दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के नीचे सुरक्षित ये दिल मजबूत मांसपेशियों से बना है और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दरअसल हमारा दिल एक पंपिंग स्टेशन की तरह है, जहां से नसों के जरिए पूरे शरीर की खून की आपूर्ति होती है और हमारे शरीर के हर अंग तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचते हैं। शरीर में खून के दौरे से ही विभिन्न अंगों से उत्सर्जित और हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। जो हार्ट है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, और जो सारी बॉडी में जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, और इसके जो चार चैम्बर्स होते हैं, और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसमें कुछ नसें आती हैं और कुछ इससे निकलती हैं। जो इससे जो नस आती हैं वो गंदा खून लेके आती हैं, और जो इससे नसें निकलती हैं वो अच्छा खून ले जाती हैं। अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए अन्य अंगों की तरह दिल को भी खून की जरूरत होती है। दिल ये खून तीन धमनियों के जरिए प्राप्त करता है। इन धमनियों को कोरोनरी धमनियां या आर्टरीज कहा जाता है। कभी कभी इन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्लॉट्स या थक्के बन जाते हैं, खून का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है और दिल की खून की आपूर्ति कम हो जाती है। जब ये खून की आपूर्ति काफी कम हो जाती है तो दिल का दौरा या हार्ट अटैक होता है। दिल के दौरे के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है उसके सीने में दर्द की शिकायत होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है, और ये जकड़न खास तौर पर बाईं बांह, जबड़े, गर्दन और पीठ में फैलती जाती है। दर्द के साथ ही व्यक्ति को पसीना आता है और बेचैनी बढ़ने लगती है, पेट में एसिडिटी होती है और गैस बनने लगती है। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो व्यक्ति को फौरन किसी मेडिकल सेंटर, खासकर किसी हार्ट इंस्टीट्यूट में दिखाना चाहिए। समय पर मेडिकल सहायता न मिलने की स्थिति में मरीज की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए दिल का दौरा पड़ने पर जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति का इलाज शुरू हो जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो बीमारी है हार्ट की, उसको हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जिसमें जो हार्ट की जो नसें हैं जो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट सफर्स। दुनिया में सबसे ज्यादा दिल के रोगी हिंदुस्तान में हैं। खराब जीवन शैली और मानसिक तनाव के कारण हमारे देश में दिल के रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल का रोग जन्म से भी हो सकता है। जैसे कि हार्ट में होल्स मींस कि भी जैसे हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, दो चैम्बर ऊपर होते हैं, दो चैम्बर नीचे होते हैं, और ऊपर वाले चैम्बर में अगर होल हो तो उसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, और हार्ट के लोअर चैम्बर्स में अगर होल हो तो उसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। और हार्ट से दो बड़ी नसें निकलती हैं, अगर उसमें होल हो तो उसको हम पीडीए बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। इसके अलावा जो जन्म से जो बीमारी होती है वो वेल्स की भी हो सकती है, और कुछ नसों का गलत जुड़ना भी हो सकता है, बच्चा ब्लू भी हो सकता है। दिल की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, मोटापा, धूम्रपान, खराब जीवन शैली, ज्यादा बैठकर काम करना, मानसिक तनाव और कोई फैमिली हिस्ट्री। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है? जैसे कि किसी को अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो हमें उसकी डाइट का ध्यान रखना है ताकि कोलेस्ट्रॉल कम ले, और या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ होती हैं वो दवाई देनी पड़ती है। ऐसे ही किसी को अगर शुगर है तो उसकी शुगर कंट्रोल करनी पड़ती है, और किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको दवाई से या डाइट से उसको कंट्रोल करना पड़ता है, और अगर जो कोई स्मोक करता है तो उसको स्ट्रिक्टली उसकी स्मोकिंग बंद करनी पड़ती है, और अगर जो ओबीज है तो उसका अपना वेट कम करना पड़ेगा,
और जिसकी कोई सिडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसको रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। दिल की बीमारी के कुछ खास लक्षण इस प्रकार है: सीने में दर्द या भारीपन होना, सांस फूलना, थकावट महसूस करना, दिल की धड़कन का बढ़ना, अचानक बेहोश हो जाना और पांव में सूजन आदि। इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो फौरन दिल के विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिल का मामला बहुत संवेदनशील है। इसके इलाज के लिए अति आधुनिक मशीनों और कुशल विशेषज्ञों की जरूरत होती है। इसी जरूरत को महसूस करते हुए श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में अलग से एक्शन हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इस इंस्टीट्यूट में दिल के हर प्रकार के रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ कुशल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम दिल का इलाज दिल से करती है। दिल के जाने माने डॉक्टरों की ये टीम इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव दोनों ही प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत ही अच्छे ट्रेन्ड और दे वर्क विद अ ह्यूमन टच। यदि किसी मरीज में दिल की बीमारी के लक्षण नजर आए तो उसकी जांच की शुरुआत नॉन इन्वेजिव प्रक्रिया से की जाती है। सबसे पहले मरीज की ईसीजी की जाती है। ईसीजी के जरिए दिल की गति और तरंगों में परिवर्तन की पहचान कर दिल के रोग का पता लगाया जाता है। ईसीजी के बाद टीएमटी और होल्टर टेस्ट किए जाते हैं। टीएमटी में हम पेशेंट को एक्सरसाइज करा के उसका ईसीजी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसमें हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज के सिम्टम्स हैं कि नहीं हैं। उसके हिसाब से जो उसमें चेंजेस आते हैं उसके ईसीजी में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, उनको हम असेस करते हैं। होल्टर टेस्ट में एक छोटी सी मशीन व्यक्ति के साथ 24, 48 या 72 घंटों के लिए लगा दी जाती है। होल्टर में ये पता लगाते हैं कि उसकी हार्ट बीट 24 घंटे की मॉनिटर करते हैं ईसीजी इन रूटीन एक्टिविटी। उसमें पता लगाते हैं कि उसकी हार्ट बीट ठीक चल रही है या उसमें कुछ इररेगुलरिटी है। इकोकार्डियोग्राफी और कलर डॉपलर से दिल के वॉल्व की स्थिति, दिल की मांसपेशियों, ब्लड पंप करने वाले चेंबर और दिल द्वारा पंप किए गए खून की गति का पता लगाने में मदद मिलती है। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की एक बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम बच्चों से लेके बूढ़ों तक इस्तेमाल की जाती है हार्ट की डिफरेंट एनोमलीज देखने के लिए, जैसे कि हार्ट का डायलिटेशन है, उसमें कोई वॉल में लीकेज है, या हार्ट की कोई कंजेनाइटल बच्चों में जो एनोमली होती है जैसे कि कोई शंट है, कोई दिल में छेद है, हम उसका पता इकोकार्डियोग्राफी से बहुत अर्ली स्टेजेस में लगा सकते हैं। दिल की धमनियों में किसी प्रकार के अवरोध का पता लगाने के लिए सबसे भरोसेमंद टेस्ट है एंजियोग्राफी। एक्शन हार्ट इंस्टीट्यूट में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है। ये प्रक्रिया नॉन इन्वेजिव और बहुत सरल है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक बहुत अच्छा टेस्ट है, बड़ा सिंपल है और इसमें रिजल्ट बड़ी जल्दी मिल जाता है। और ये टेस्ट श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती और इसमें एक वेन के थ्रू डाई डाल के पिक्चर ली जाती है। टोटल पेनलेस है और रिजल्ट बड़ा जल्दी आता है और एक कोई कैथेटर वगैरह कोई इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर जो इस टेस्ट में कुछ ब्लॉकेज आती हैं तो हमें कैथेटर एंजियोग्राफी करनी पड़ सकती है। जब नॉन इन्वेजिव टेस्ट की सहायता से तय हो जाए कि दिल की धमनियां अवरुद्ध हैं, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है जो कि फाइनल टेस्ट है। इसमें हम हाथ से या रिस्क के रास्ते से एक बहुत पतली ट्यूब डाल के, जो कि प्लास्टिक की ट्यूब होती है, उससे दवाई डाल के देखा जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है और उसका क्या इलाज है। इलाज में जैसे कि या तो हम उसको दवाइयों पे रख सकते हैं या उसको हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। यदि मरीज की एंजियोग्राफी से दिल की धमनी में अवरोध का पता चलता है तो एक्शन हार्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टरों की पहली कोशिश होती है
उस अवरोध को एंजियोप्लास्टी की सहायता से हटाया जाए। एंजियोप्लास्टी के जरिए धमनी में जमी रुकावट को बैलून की मदद से ढीला कर रुकावट की जगह पर खून को घुलनशील बनाया जाता है और उस अवरोध को हटाया जाता है। अवरोध हटाने के बाद नली कहीं फिर से सिकुड़ या चिपक न जाए, इसलिए उस जगह पर जाली नुमा स्टेंट लगा दिया जाता है। एंजियोप्लास्टी या बैलूनिंग या बैलून सर्जरी एक ऐसी तकनीक है जिसके लिए चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती। ये प्रक्रिया काफी सुरक्षित और आसान है। एंजियोप्लास्टी के एक हफ्ते बाद मरीज अपनी सामान्य दिनचर्या आरंभ कर सकता है। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक्शन हार्ट इंस्टीट्यूट में दिल के मरीजों की एंजियोप्लास्टी नियमित रूप से सफलतापूर्वक की जा रही है। अभी आज 4 बजे मेरा ये एंजियोप्लास्टी हुआ है, एकदम मतलब ठीक महसूस कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम फिलहाल मुझे नहीं। I came to the hospital for angioplasty treatment and after treatment I am very comfortable. I have absolutely no pain. I'm feeling totally relaxed and the hospital, the kind of facilities what they provide is compared to other hospital, it was fantastic. I enjoy the facilities, doctors were good and they were very pleasant. यदि दिल की एक या दो नसों में रुकावट हो तो उसे एंजियोप्लास्टी से खोल दिया जाता है, लेकिन अगर रुकावट 2 से ज्यादा धमनियों में हो तो मरीज की बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। बाईपास सर्जरी तब की जाती है अगर जो हार्ट की नसों की जो ब्लॉकेज ज्यादा होती है और तीनों नसों में होती है, और जिस पेशेंट में एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है उसकी बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी में शरीर के विभिन्न हिस्सों से नसें लेकर एक बाईपास बना दिया जाता है जिसके जरिए दिल की खून की आपूर्ति होती है। बाईपास सर्जरी 2 तरह की जाती है, ऑन हार्ट एंड लंग मशीन और बीटिंग हार्ट सर्जरी। ऑन हार्ट एंड लंग मशीन में सर्जरी के दौरान खून की आपूर्ति लंग मशीन के जरिए की जाती है और इस दौरान दिल सक्रिय अवस्था में नहीं रहता, जबकि बीटिंग हार्ट सर्जरी दिल की सक्रिय अवस्था में की जाती है। सर्जरी के दौरान दिल सामान्य ढंग से काम करता रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांस जो भी रिसेंटली हुआ है और जो बालाजी में शुरू से ही हम लोग यूज कर रहे हैं वो है बीटिंग हार्ट सर्जरी। इसमें हमें हार्ट को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है, बीट करते हुए हार्ट पे ही हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं और इससे बेनिफिट पेशेंट को काफ़ी होता है। एक तो पेशेंट का स्टे काफ़ी कम हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन के बाद पेशेंट काफ़ी अलर्ट एक्टिव और मॉर्बिडिटी काफ़ी कम होती है पेशेंट के अंदर, ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो एक तरह से पेशेंट के लिए बून है बीटिंग हार्ट सर्जरी। और कई पेशेंट्स तो हमारे ऑपरेशन के बाद 3रे या 4थे दिन भी डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं। दूसरा इस टेक्निक का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो पेशेंट बहुत सिक होते हैं, जैसे किसी पेशेंट को अगर बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया, हार्ट का फंक्शन बहुत वीक है, ऐसे पेशेंट भी हम बीटिंग हार्ट टेक्निक द्वारा सेफली हम कर लेते हैं। बाईपास सर्जरी के बाद मरीज सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। जो लेवल ऑफ एक्टिविटी सर्जरी से पहले था ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ जाता है। इनफैक्ट एयरफोर्स में अगर जो पायलट्स होते हैं बाईपास सर्जरी के बाद इफ दे आर सर्टिफाइड उनको दे कैन फ्लाई द प्लेन ऑल्सो, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी कैन बी अचीव्ड। इस इंस्टीट्यूट से सफलतापूर्वक बाईपास सर्जरी करवाकर मरीज दिल की बीमारी से मुक्ति पा रहे हैं। मेरी सर्जरी जहाँ हुई है और वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर है and he has done his job very well. मेरी माताजी की बालाजी में बाईपास सर्जरी हुई है। बाईपास सर्जरी होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हैं। दिल की गति में परिवर्तन या दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज या धीमी हो जाने की शिकायत करने वाले मरीजों के लिए एक्शन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की व्यवस्था है और दिल की तरंगों की सही जांच करके पेसमेकर लगाया जाता है ताकि दिल की धड़कन नियंत्रित रहे।
दिल की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। कुछ बच्चे तो जन्म से ही दिल की बीमारी के शिकार होते हैं। एक्शन हार्ट इंस्टीट्यूट में बच्चों के दिल के रोगों के इलाज के लिए विशेष रूप से पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की अति आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक्शन हार्ट इंस्टीट्यूट में दिल की सभी बीमारियों के इलाज के लिए दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है। दिल की देखभाल के क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूट रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। यहाँ 2 हार्ट कमांड सेंटर है जिनमें अति आधुनिक सुविधाओं से लैस 35 बेड हैं। एक्शन हार्ट इंस्टीट्यूट में जो फैसिलिटीज हैं वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं। हर तरह का टेस्ट पॉसिबल है, हर तरह का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इंटेंसिविस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि यहाँ पर पेशेंट की केयर उस तरह से की जाती है जैसे किसी अपने रिलेटिव की केयर की जाती है। हम पेशेंट के लिए यहाँ पे 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा जितनी रिक्वायरमेंट होती है कंटिन्यूस हम लोग पेशेंट के लिए रुकते हैं। और जो सर्जरी है पेशेंट की वो इंडिविजुअलाइज्ड होती है इस सेंटर में। उसका मतलब ये है कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसको पहले प्रॉपरली स्टडी किया जाता है, उसके बाद प्लानिंग की जाती है और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है जिससे कि पेशेंट के लिए बेस्ट हम कर सकें। एक्शन हार्ट इंस्टीट्यूट का लक्ष्य है लोगों को दिल की बीमारियों से मुक्ति दिलाना। कुशल डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा मरीजों का इलाज यहाँ निजी स्तर पर मानवीय स्पर्श के साथ किया जाता है। यहाँ दिल की देखभाल दिल से की जाती है ताकि सदा स्वस्थ रहे आपका दिल।